तीन योजनाओं का ऐलान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत हम शुरू कर रहे हैं, जिससे बेहतर आंगनबाड़ियां जो कि बेहतर सुविधाओं से लैस होंगी, जो ज्यादा सहायता महिलाओं को दे सके और स्वच्छ ऊर्जा से संपन्न ये आंगनबाड़ियां होंगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों को विकसित किया जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बारे में, यानी कि निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करने वाले हैं 1 फरवरी को। आप सभी को पता होना चाहिए 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा जो भी 2024 का जो बजट है वो पेश की जा रही है। इसी बजट में आंगनबाड़ी सेविकाओं को और जितने भी कर्मी हैं भारत में, सभी का इसमें आशाएं लगी हुई है कि इस बजट से सभी का मानदेय वृद्धि हो सकता है, उनके पोषाहार में वृद्धि हो सकता है, बड़े मतलब कि सभी चीज़ में वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि ये बजट जो है वो सभी के लिए पेश की जा रही है। ये बजट में कुछ खास करके महिलाओं के लिए ये बोला जा रहा है कि खास है ये बजट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये मोदी जी के कार्यकाल में ये आखिरी बजट है और लगातार उन्होंने 6th बजट पेश किया है। और ये जो बजट है जो कि 1 फरवरी को पेश होने वाला है, तो उन्हीं के कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसके बाद फिर इलेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग का इलेक्शन के लिए अब मोदी जी देखिए हम लोग को क्या देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सभी जगह सभी राज्य में लगभग भारत के सभी राज्य में आंगनबाड़ियों के द्वारा आंदोलन की गई है। आंदोलन के दौरान वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा यानी कि राजांश जो है वहाँ के जो भी इनकम है वहाँ बढ़ोतरी किया गया, कुछ ना कुछ बढ़ाया गया है, जैसे कि बिहार राज्य सरकार अलग, महाराष्ट्र हो गया, या भी आप लोग का मध्य प्रदेश देखे होंगे, सभी राज्य में कुछ ना कुछ बढ़ाया गया है, लेकिन केंद्रांश जो देती है हम लोगों को 60%, उसमें से कहीं भी अभी कुछ बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इससे ज़्यादा उम्मीद लग सकती है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को, क्योंकि अभी तक कोई भी वृद्धि नहीं किया गया है इस 2023 में और 4 में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। तो हम लोग का ये बजट जो पेश की जा रही है इसमें सेविकाओं के लिए खास करके जरूर है जरूर इसमें वृद्धि की बात होगी। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, इसमें बोला गया है कि महिलाओं के लिए खास होगा ये बजट। अब बजट 2024 के यह चुनावी साल है, ऐसे में सरकार से अंतिम बजट सबका ध्यान रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपनी 6th बार बजट की स्पीच दे रहे होंगे, तब सबका ध्यान इस बात पर होगी कि वो क्या नया करती है। हर साल की भांति इस साल भी उनके द्वारा बजट पेश की जाएगी, और इस बजट में क्योंकि ये साल का आखिरी बजट है और ये 2024 यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आखिरी बजट है, चुनावी साल में सरकार की तरफ से महिलाओं पर विशेष फोकस रहता है, यह रह सकता है। देखिए हम लोग बताएं कि RBF बैंक से जुड़ी, यहाँ पर बैंक से जुड़ी ऐलान की जा सकती है, बहुत सारे योजनाओं के अनुसार आप लोगों को मिल सकती है, यानी कि सबसे बड़ा बात यहाँ है कि फोकस महिलाओं को, केंद्रीय योजनाओं से संबंधित सरकार महिलाओं को हाथ में सीधा पैसा सौंपने का ऐलान किया सकती है, या फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर या अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसमें महिलाओं के प्रति कुछ विशेष करने का सोचा जा रहा है। अब ये देखिए बजट कभी लीक नहीं हो सकता, क्योंकि लीक हो जाएगा तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार की बजट में क्या किसको क्या मिल सकता है। इसी के और भी जानकारी की आप लोगों को बताने के लिए चलिए हम लोग कुछ चलते हैं जानकारी की और हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। बता दें देखिए कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली से, यानी कि कार्यालय चुनावी माहौल का जो भी मतलब की प्रक्रियाएं हैं इलेक्शन से, दिल्ली से लेटर जारी कर दिया गया है। 19/1/2024 को लेटर जारी किया गया है। इसमें देखिए बता दिया गया है कि अब इलेक्शन का जो नजदीक 16 फरवरी से पूरे भारत में आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि अब चुनावी माहौल प्रवेश होने वाला है। तो 16 फरवरी से आचार संहिता लागू हो जाएगी, इससे पहले ही इसीलिए बजट 1 फरवरी को पेश की जा रही है। तो बता दें आप लोगों को कि अब बहुत सारे कार्य जो स्थगित हो जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद बहुत सारे कार्य जो नहीं हो पाएंगे। तो जो भी सेविकाओं को हो या किसी को भी कुछ मिलने का हो जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, तो इसी बजट में आप सभी को मिल सकती है, इसलिए ये बजट आप सभी के लिए खास है। चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। कहते हैं बता दें आप लोगों को 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा और 16 मार्च तक टिकट वितरण होगा, यानी कि मात्र 16 मार्च तक टिकट वितरण किया जाएगा और 16 फरवरी से ही आप सभी की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये कुछ जो कि इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। बात करें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस बजट में क्या मिलेगी, तो चलिए हम लोग कुछ जो न्यूज है जो कि व्हाट्सएप के द्वारा वायरल किया जा रहा है, चलिए इस न्यूज को हम थोड़ा सा समझते हैं। बोला गया है कि यूनियन बजट 2024 जो कि बजट पेश होने वाली है 1 फरवरी 2024 को ताई जी यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश की जाएगी। इस बजट में मध्यम वर्ग के और नवीन लोगों को कई उम्मीद है, जिसमें टैक्स छूट भी मिल सकती है। अगली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें 1.5 लाख का छूट मिला था, अब की बार जो बताया जा रहा है कि इसमें 2 लाख तक टैक्स का छूट मिल सकती है, और ये होगा ही। ये बजट जो है 2024 जो बजट है ये सबसे बड़ी बजट होने वाली है, क्योंकि ये चुनावी माहौल के बाद लास्ट बजट पेश होने वाली है, इसके बाद हम लोग का आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये चुनावी माहौल के सबसे आखिरी बजट है, इसलिए ये बजट जो सभी के लिए बड़ी मानी जा रही है। इसमें बता दें आप लोगों को आंगनबाड़ी के बारे में चर्चा भी किया गया है। बोला गया है कि रोजगार
तोहफा मिल सकती है। खासकर आंगनबाड़ी वर्करों को निगाहें आखिरी बजट पर लगी है। महासभा की ओर से पीएम मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नीति आयोग का तो गुहार लगाई है। आप लोगों को बता दें तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि करीब 26 लाख आंगनबाड़ी वर्कों के साथ मोदी सरकार का वसूल कर सकती है। बिहार में हो या कहीं भी हड़ताल हो, इसके बीच में एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 26 दिसंबर 2023 को लेटर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती है इसमें सभी जगह बोला था 2 घंटा 3 घंटा काम करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 घंटा जो है सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि महिला मंत्री वित्त मंत्री जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप लोग 6 घंटा कार्य करते हैं। तो देखिए ये सरकार की ओर से बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली है। इसी तरह आशा लगा सकते हैं कि इस बजट में भी आप सभी को मिलेगी। देखिए हड़ताल के दौरान भी सेविकाओं ने भारत सरकार को लेटर भेजा है, इसमें कि आप लोग देख सकते हैं श्रीमती स्मृति ईरानी को लेटर भेजा है। इसमें देखिए विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि के अन्य मांगों को लेकर, तो सभी मांगों को देखिए कहीं भी स्वीकृति नहीं मिला था, इस पर कहीं भी चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन अब हम लोग का बजट आ गया है, ये लास्ट बजट है, तो इसमें आप सभी की बजट कहीं ना कहीं स्वीकृति जरूर मिलेगी। जो आपकी मांगे हैं उसको जरूर देखा गया है और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर सभी जगह आप सभी के द्वारा भेजा गया है। ये देखिए महिला सीतारमण यानी कि स्मृति ईरानी को भेजा गया है जो कि बाल विकास मंत्रालय के से हैं, तो उनको भेजा गया है, तो उनसे भी ये गुहार लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को बताया बिहार में हड़ताल हुआ था और हड़ताल के दौरान सेविकाओं को मानदेय में वृद्धि हुआ लेकिन सम्मानजनक वृद्धि नहीं हुआ। इससे सेविकाएं भले ना खुश थी लेकिन जो सेविकाओं के द्वारा यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया था, यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा बोला गया था कि हम लोगों ने जो हम लोग का मतलब केंद्रांश जो है यानी कि राजांश और केंद्रांश जो मिलकर वेतन देती है इसमें राजांश ने यहाँ पर वृद्धि कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक वृद्धि नहीं किया है। इसलिए हम लोग भी गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार भी अपना जो मानदेय है वो वृद्धि करे। इसलिए देखिए यहाँ से भी मानदेय वृद्धि किया गया, यानी कि बिहार में भी सेविकाओं को 7,000 मिलेगा। और अब देखिए राज्य सरकार क्या कर देती है कि केंद्रांश और राजांश मिलाकर दिए जाते हैं, लेकिन केंद्र का जो 38% राशि है वो 38% ही रह गई है, लेकिन राजांश का बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है केंद्र सरकार अभी तक यहाँ पर वृद्धि नहीं किया है, तो यहाँ पर भी गुहार लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा वृद्धि किया जाए। तो इसी सभी को लेकर हम लोग बता दें आप सभी को, देखिए मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कर्ताओं को मानदेय में वृद्धि हुआ है, यहाँ पर भी देखिए वृद्धि कर दिया गया, यहाँ पर राज्य सरकार वृद्धि किए हैं, तो अब केंद्र सरकार भी वृद्धि करेंगे। केंद्र सरकार जब वृद्धि करेंगे तो पूरे भारत में लागू होगा और सभी सेविकाओं बहनों को मिलेगा। इसलिए इस बार की बजट जो है वो खास बजट बोली जा रही है, खास करके महिलाओं के लिए। तो इस बार की बजट जो है वो आप सभी को क्या लगता है कि क्या इसमें आपको मिलेगा, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मिलना चाहिए या क्या होना चाहिए, सारी कमेंट आप सब अपना दें। खास करके आपको दो जो मांग है, आपके एक पहली मांग जो है आपको मानदेय में वृद्धि किया जाए, सम्मानजनक वृद्धि किया जाए, और दूसरी जो है वो ग्रेच्युटी है। तो ग्रेच्युटी है वो भी आप सभी को ये बोला जा रहा है कि इस बजट में आपकी जो दोनों मांग है इसकी स्वीकृति मिल सकती है, तो बड़ी आशाएं लगा सकती है इस बजट में। देखते हैं कि 1 फरवरी को बजट जो पेश की जाती है इसकी सबसे पहली न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही कल 1 फरवरी को जैसे ही बजट पेश की जाती है और आंगनबाड़ी वालों के बारे में चर्चा की जाती है तो आप सभी को हम लोग जरूर वीडियो बना के दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।